पॉइजन इसमें पॉइजन पॉइजन रहता है। हाँ, ये कैंसर का मेडिसिन के लिए काम। अच्छा, ये इसी से निकाला होगा पॉइजन है बोले। तेल समुद्र के अंदर ही पाया जाता है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से डिस्टेंस पर है। मछुआ लोग तो जहाज लेकर मछली पकड़ने के लिए जाते, हाई टाइड में माछ के साथ ही सब जाल में आ जाते, तो आ जाते जिससे तोड़ तोड़ के दिखाई जाते। जितने भी टूरिस्ट लोग आते सभी लोग को तोड़ तोड़ के, ना ही आपका पैकेज दे ना आपको कोई चार्जेस देना पड़े। एक्चुअली कभी कभी बार पड़ती है, इसलिए टूरिस्ट लोग को तोड़ तोड़ के दिखाई जाते, क्योंकि इसी के अंदर से नेचुरल ऑल पाए जाते। मोती हर साल में नहीं पाया जाता, मोती किसी किसी में ही पाया जाता है, जिसमें स्वाति नक्षत्र का बारिश का बूंद मिलता है उसी के अंदर ही पाल होता है। इसलिए इतने सारे केस करके लिया जाते हैं। बोट पे भी लास्ट रह गए जो एक बोट में एक मोती निकले तो तोड़ा जाएगा, क्योंकि आप लोग बाहर से जो देखते हैं सिर्फ रेडीमेड, नेचुरली सेल के अंदर कैसे पाल होती है कभी नहीं देख सकते, इसी वजह से फ्री में दिखाई देता है। इसलिए एक वाटर आने वाले जो पानी के नीचे जिंदा है, किंतु ये मर चुका है पानी से बाहर आने पर। ये फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर होने पर ये जिंदा रहता है। सर आपने ज्वेलरी जो मोती देखते हैं परफेक्ट वगैरह, किंतु नेचुरली परफेक्ट नहीं आती, ये अनसुक टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही पाई जाती है। इसे सुनहरी लेकर घिसा कर राउंड करके या फूल को बेचते, क्योंकि चंद्रमा का नाम से जाना जाता है, बेनिफिट देती है बॉडी को, रखना शांति के लिए, माइंड को फ्रेश रखना, गुस्से को कंट्रोल करना, छोटी छोटी बात के चिड़ापन को दूर रखना, ये इसका बेनिफिट। इसमें दो कलर का पॉल पाया जाता है, एक व्हाइट जिसका मोस्ट रेयर पॉल है, ब्लैक का नाम होता है, जैसे जिसका बेनिफिट जॉइंट पेन, बीपी, शुगर कम होता है, चार चीज के लिए बेनिफिट। क्या है ये? समुद्र का पत्थर सर। सर हाथ कर जाएगी, इसमें धार रहती है, ब्लेड जैसे धार रहती है, तो बताया था सर इसका नाम, इसे छूने पहचान पर नहीं कर पाएंगे सर। सर समुद्र का दूसरा नाम है सर रत्न का, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, ये पुराण वगैरह में आदिकाल से भी जिक्र किया गया, किंतु रत्न कभी नीचे गिरा के नहीं पड़ा जो कोई भी उठाकर आप लोग को दिखा सकते हैं। रत्न किसी न किसी अंदर पाए जाते सर, समुद्र के अंदर 13 रत्न पाए जाते। 13 रत्न में पहला रत्न आता है मोती, तो सिर्फ सीप नहीं होगा, सीप नहीं होगा तो मोती भी नहीं होगा, क्योंकि वो कीड़ा है तो स्वाति नक्षत्र का बारिश का बूंद को मोती में बना सकता है। तो और बाकी जो 12 रत्न रहते हैं पूरे 12 के 12 रत्न इसी के अंदर ही पाए जाते, इसी पत्थर के अंदर ही पाए जाते। ये बाहर से जो लगता है पत्थर है, एक जीव है, वाटर एनिमल का टाइप का जीव, वो ये कि 2 साल के लिए नहीं, ये 2000 या 3000 साल तक जिंदा रह सकते। ये देखिए सर कैसे रहते दिखाई दे रहे, कीड़ा का पेट के अंदर रहते, जैसे माँ का पेट में बच्चा रहता। अब जिस ज्वेलर में जाएंगे जाकर कोई भी चीज खरीद कर सकते हैं, किंतु कोई नहीं है जो तुम्हारे आंखों के सामने तोड़ कर दिखाएगी एक्चुअली में कैसे पाए जाते। नीले रंग का है सर, ये सबसे सबसे खूबसूरत रत्न के नाम से जाना जाता है। मून स्टोन चंद्रमा हिंदी में बोलते चंद्रकांत मोनी, मून यानी चंद्रमा, जो चंद्रमा ही चमकता है। आई प्रोटेक्ट, पेट का थंडक, डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, एंट्रेंस जॉब के लिए बेनिफिट। ज्वेलरी में आप इसे खरीद करेंगे कैरेट की सबसे 17,000 है, तो यहाँ पर जब ज्वेलर को जाता है ये तो फेंका नहीं जाएगा, ज्वेलर ने कंट्रोल लिया है तो पीस ही सबसे ट्रांसपोर्टिंग और सिर्फ लो प्राइस। जितना भी देखेंगे सभी स्टोन एक कीड़े का पेट के अंदर ही रहते हैं, जैसे हमारा पेट के अंदर स्टोन बनता है, इसका पेट के अंदर यही स्टोन ही बनता है, इतना खूबसूरत है। सभी झूले वाले यहीं से लेकर आपका इसी में बिठा कर चीज बेचते हैं सर, तो कोई नेचुरली कोई कौन सा नेचुरल है कौन सा डुप्लीकेट आप इसे पहचान नहीं सकते। सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है, सबसे लो प्राइस का यही है सर, सिर्फ 650 का ही। ये मूंगा टाइप का है क्या? मूंगा ही है, मुंगा टाइप का नहीं, मुंगा ही है। अच्छा, ये मुंगा है, ये मून स्टोन को छोड़ कोई लगातार में डायमंड पा जाता है सर। ये इतने स्ट्रॉन्ग से लेकर सबको छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आते हैं।
अच्छा एक्सपीरियंस है यार। गंगा मंगल के लिए हेल्थ के लिए लड़ाई झगड़े से प्रोटेक्ट रखते हैं, ये सभी लोग आजकल पहचान सकते हैं। दूसरा है, जैसे डायमंड से शीशा का काट देता है जो पहचान है, इसे बाहर से पहचान सकते हैं। ये इतना स्ट्रांग होती है ना, कभी टूट कभी नहीं टूटती। ये नेचुरली अपने आप बनता है सर। सर इसका बॉडी जो पत्थर होने की वजह से, ये जो भी खाते हैं, जो हजार साल या 2000 साल जिंदा रहते, इसका पेट के अंदर जम जाता है, जमने पर ये धीरे धीरे लिक्विड जो होता है लाला लाला से धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कुछ खाने पर भी हमारा पेट के अंदर स्टोन बनते हैं, इसी का पेट के अंदर ऐसा ही स्टोन। किंतु इसका दिखाई दे रहा है सर, बाहर कितने गंदा है, अंदर एकदम मार्बल जितना पेन है, इसलिए चीज इतना खूबसूरत आ रहा है।